आपको अहम खबर दें, आपको बताएं कि पाकिस्तान का कोरोना वायरस का इलाज दरियाफ्त करने का दावा। पाकिस्तानी साइंसदानों की अहम कामयाबी मिल गई। डाउ यूनिवर्सिटी के माहिरीन की जानिब से यह दावा किया गया है। सेहतयाब मरीजों के जिस्म से हासिल शफाफ एंटीबॉडीज से ग्लोबुलिन तैयार की गई, जबकि टेस्टिंग और एनिमल सेफ्टी ट्रायल भी कामयाब रहा। ग्लोबुलिन की तैयारी कोरोना बहरान में उम्मीद की किरण है। प्रोफेसर शौकत अली, जो कि रिसर्च टीम के सरबराह हैं, उनकी जानिब से यह दावा किया गया है। पाकिस्तान का कोरोना वायरस का इलाज दरियाफ्त करने का दावा, पाकिस्तानी साइंसदानों की अहम कामयाबी। इस हवाले से मजीद तफसीलात के लिए सबा खान कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। जी सबा खान, बताइएगा, पाकिस्तानी साइंसदानों की जानिब से कोरोना वायरस का इलाज दरियाफ्त करने का दावा किया गया है। जी बिल्कुल, डाउ यूनिवर्सिटी के माहिरीन ने कोरोना वायरस की जंग के खिलाफ एक साइंसदानों ने कामयाबी से एक दवा तैयार की है, जिसका नाम है इंट्रावेनस और एम्यूनोग्लोबिन। ये डाउ यूनिवर्सिटी कोरोना के इलाज के लिए ग्लोबिन तैयार करने के लिए जो है दुनिया में सबकत ले गए हैं। और डाउ यूनिवर्सिटी के माहिरीन का बड़ा दावा है कि IVIG कोरोना के खिलाफ जंग में हम अहम पेशरफ कर रहे हैं। जब प्रोफेसर मोहम्मद सईद कुरैशी ने भी कहा है कि कोरोना के सेहतयाब मरीजों के जिस्म में हासिल शफाफ एंटीबॉडीज से ग्लोबुलिन तैयार किया करने की जो है वो जरूरत है, क्योंकि ये जो प्लाज्मा लिया गया था, जो पहले से मरीज कोरोना वायरस के थे, जिनको सेहतयाबी नसीब हुई, उनके जो है प्लाज्मा निकाला गया, उस प्लाज्मा से जो है ये जो है दवा तैयार की गई है। अब देखना यह है कि रिसर्च के मुताबिक जो है ग्लोबिन की जो तैयारी कोरोना का बहरान और उम्मीद की किरण है ये, कि इस जंग में जो है किस तरह से कामयाबी हासिल होती है। जी